नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अम्फान तूफान की। अम्फान भारत में दस्तक दे चुका है, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही भी मचा रहा है। आज हम बात करेंगे अम्फान की रफ्तार की, उससे होने वाली तबाही के आकलन की और साथ ही किन राज्यों में अम्फान का कहर देखने को मिल सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में चक्रवाती तूफान अम्फान दस्तक दे चुका है। चक्रवात अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति लगभग 107 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में ये दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। भारतीय मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि इस तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ये काफी भयावह और विध्वंसक हो सकता है। यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों के अलावा कई मैदानी राज्यों में भी तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार शाम को सुपर साइक्लोन में बदल गया है। बताया जा रहा है कि 20 मई की दोपहर या शाम को यह चक्रवाती तूफान दीघा, पश्चिम बंगाल, हटिया आइलैंड, बांग्लादेश को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति करीब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान तूफान 20 मई के आसपास पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से गुजरेगा। तूफान की तीव्रता के कारण काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आइए अब जानते हैं कि अम्फान तूफान को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अम्फान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इससे प्रभावित होने वाले राज्यों को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। PM ने तूफान की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद ट्विटर पर लिखा कि वे सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि समीक्षा बैठक में PM ने स्थिति का जायजा लिया और उपायों की समीक्षा के साथ ही केंद्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF द्वारा प्रस्तुत निकासी योजना की बारीकियों को समझा। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, PM के प्रधान सलाहकार PK सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गोबा भी शामिल हुए। आइए अब नजर डालते हैं NDRF के महानिदेशक SN प्रधान की अम्फान साइक्लोन से निपटने की तैयारियों पर। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने बाद में जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी तैयारियों का विवरण दिया। अनुक्रिया योजना की प्रस्तुति के दौरान NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने बताया कि 25 NDRF टीमों को मोर्चे पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य रिजर्व में हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में 24 अन्य NDRF टीमें तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 1999 के फानी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई इतना शक्तिशाली तूफान भारतीय तट से टकराने जा रहा है। उल्लेखनीय है, फानी ने तब उड़ीसा में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाया था। NDRF ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके और आसपास के क्षेत्र में तूफान की चेतावनी दी है। ये चेतावनी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बीते 6 घंटों के दौरान कम दबाव के क्षेत्र के तेजी से चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के चलते दी गई। सरकार ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वो 18 मई से समुद्र में या समुद्री तटों पर ना जाएं। चलिए अब आपको बता दें कि अम्फान साइक्लोन का असर किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली NCR के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। बिहार और झारखंड में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। यहां भी चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रभाव के कारण बारिश की संभावना बन रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देख रहे हैं अजमेर न्यूज़। नमस्कार।